एंट्री तो सब लेते हैं एग्जिट में ही प्रॉब्लम एग्जिट कब लेना चाहिए मेरा पॉकेट रोना नहीं चाहिए अगर वो स्टॉप लॉस फिट हो जाए तो इसका प्राइस इस डिस्टेंस को टच कर जाना चाहिए करने के लिए मैं कर सकती हूँ करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है मैं उसके ऊपर बाय करूँ ये स्टॉप लॉस लगाऊ इसे कहते हैं जबरदस्ती का ट्रेड इज इक्वल टू मैं ट्वेंटी और 25 फाइव शेयर टॉप और बॉटम मिलना बहुत मुश्किल हाँ टॉप में एंट्री और एग्जिट तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बट टॉप में शॉर्टिंग या बेचना बॉटम में बाइंग नॉट पॉसिबल नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ बुदिया और आज का आपका टॉपिक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है खास करके एंट्री कब लें और एग्जिट कब लें और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जिट कब लें एंट्री तो सब ले लेते हैं एग्जिट में ही प्रॉब्लम है एग्जिट कब लेना चाहिए ये समझ में नहीं आता है कि एग्जिट कब लेना चाहिए तो जो चीज़ समझ में नहीं आए हम उसके लिए एक सर्टेन रूल डिफाइन कर दें हम एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी एंट्री हम स्टडी बेस पे लेंगे एग्जिट स्टडी बेस प्लस रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंट्री में भी है क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ठीक होना चाहिए बट रिवॉर्ड जनरली हमको पता नहीं होता रिस्क हमको पता होता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस होगा अब वो स्टॉप लॉस मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं वो सेकेंडरी है मेरा पॉकेट रोना नहीं चाहिए अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ ठीक है भाई ज़्यादा से ज़्यादा आज की पॉकेट मनी चली गई बस ठीक है ना उस टाइप का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए ऐसा स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए कि पॉकेट मनी नहीं बैंक बैलेंस चला जाए तो उसी तरीके से लेटेस्ट से स्टार्ट कैसे करती हूँ अपना निफ्टी 500 पूरा मैंने निकाला और मुझे बाय करने का है क्योंकि आज मार्केट अप था अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आई वुड राधा प्रेफर टू चूज स्टॉक्स विच आर इन डाउन मूवमेंट इफ मार्केट इज इन अप आई कैन गो फॉर अप मूव स्टॉक्स अब डाउन मूवमेंट में मैं एफ एंडो ही ले सकती हूँ या कैश ही ले सकती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है मेरा एक और तरीका है मैं क्या करती हूँ जो स्टॉक मेरे होल्डिंग में है और मार्केट डाउन मूव में है तो जो स्टॉक मेरे पास है और नेगेटिव दिखा रहा है मैं उनको थोड़ा सा बेच के नीचे में कवर कर सकती हूँ लेटर से मेरे पास हज़ार क्वांटिटी है कोई स्टॉक की उसको उसमें से मैं टू फिफ्टी या थ्री हंड्रेड शेयर्स बेच के उसको थोड़ा नीचे में अगर कवर कर लूँ तो ऐसे मैं अपने स्टॉक की कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हूँ नहीं तो होगा क्या पोर्टफोलियो गिरते जाएगा और मैं बैठे बैठे मेरा पोर्टफोलियो गया मेरा पोर्टफोलियो गया इस तरह से देखते रहूँगी उससे कोई मतलब तो है नहीं तो क्यों ना मैं अब पोर्टफोलियो को भी थोड़ा एक्टिव रखूँ तो मार्केट जब गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो भी रेड चला जाता है और मैं उसे बैठे बैठे देखते रहूँ देखते रहूँ अरे ये तो गिर रहा है अरे ये तो लाल हो गया मार्केट ऊपर है नीचे है जो भी है मेरा तो पोर्टफोलियो जा रहा है तो ऐसा करने के बदले अगर वो स्टॉक वीक है तो क्या मैं उसको बेच के पूरा नहीं थोड़ा सा पार्ट क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ तो मुझे उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो लेटे से मेरे पास हज़ार शेयर है तो मैं उसमें से ढाई सौ या टू फिफ्टी तीन सौ ऐसे कुछ शेयर्स शॉर्ट कर दूँ और इंट्रा में उसको फिर से कवर कर लूँ अगर मैंने तीन हज़ार रुपये कमा लिए दस रुपये के हिसाब से तो मेरे पूरे हज़ार शेयर में से तीन रुपये की कॉस्टिंग कम हो जाएगी अगर मैं फॉलिंग मार्केट्स जब जब भी होता है और दो दो तीन तीन रुपया दो दो तीन तीन रुपया अगर पाँच छः बार दस बार भी कम कर लेती हूँ तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट एट टू टेन परसेंट में अपना कॉस्ट जो है वो लोअर ला सकती हूँ अगर स्टॉक तीन सौ के आसपास का है तो तो ये भी एक तरीका है और वो भी उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मान लो मुझे दो तीन हज़ार की प्रॉफिट हुई है उससे एक दो दस पाँच जो भी शेयर आए फ्री के वो और ऐड कर दो तो आपकी एडिशनल शेयर्स आपको आ गए तो हर तरह से वो बेनिफिशियल हो जाता है तो फॉलिंग मार्केट भी आपको कमाने का मौका देता है अगर राइजिंग कमाने को देता है तो फॉलिंग भी हाँ गलती हम क्या कर जाते हैं कि अगर मान लो मैंने वो तीन सौ बेचे तो मैं ये सोचती हूँ चलो ऐसा करती हूँ वो तीन सौ जो मैंने बेचे है ना उसका तो बेनिफिट ले ही लेती हूँ तब तक किसी और में तेज़ी दिखी तो वो ले लेती हूँ अब शाम को क्या होता है कि जो मैंने लिया है वो लॉस में हो गया तो मैंने जो बेचा है वो प्रॉफिट में होते हुए भी मैं काट नहीं सकती क्यों क्योंकि जो मैंने लिया है वो लॉस में है तो वो जो मैंने बेचा है ना उसके सामने दूसरा कोई एडजस्टमेंट मत करो नहीं तो क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर आपकी प्लानिंग जो है ना वो खराब हो जाती है ये जो चीजें हैं हम बहुत बार सोचते नहीं है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं फॉलिंग मार्केट में अगर हमारे पास स्टॉक है तो तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाती हूँ एक बाइंग और एक शॉटिंग एंट्री एग्जिट दोनों मैं अपने स्टाइल से समझाती हूँ बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए मैं जैसे करती हूँ मैं आप लोग को सिखाती हूँ और यह सिखाना मैं कभी बंद नहीं करूँगी जब तक आप लोग की रिक्वेस्ट आप लोग की डिमांड आएगी मैं बनाते रहूँगी और मैं अपनी तरफ से पूरा जितना सिखा सकती हूँ सिखा के जाऊँगी जी हाँ जाना तो एक दिन सबको है लेकिन अपनी नॉलेज यहाँ दे के जाऊँ तो आगे की जनरेशन को भी काम तो आएगी चलिए लेटेस्ट से मैंने निफ्टी फाइव हंड्रेड का ये इंडेक्स निकाला और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं परसेंटेज चेंज जो सबसे ज़्यादा फॉल सबसे ज़्यादा राइज है उसमें पहला स्टॉक अब इसमें जो मैं पैरामीटर ले रही हूँ मैंने अपने थ्री इंडिकेटर एम आरएसआई सी डी आर एस आई सुपरटेंट पर ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो बनाया है उसके कंटिन्यूएशन में ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझ लीजिए तो यहाँ पे वो नहीं बैठा अभी इसमें इसमें क्या करते हैं ये देखिए इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा बन रहा है पैटर्न स्विंग और साथ में एम ए सी डी में भी बुलिश में बुलिश क्रॉस ओवर है आर एस आई भी सेवेंटी के ऊपर है तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हम लेते हैं जो ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इतना और टाइम पीरियड ये जो पूरा टाइम पीरियड है थर्टी फर्स्ट जुलाई से लेके और आज ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट तो लेट से पंद्रह सितंबर तक इसका प्राइस इस डिस्टेंस को टच कर जाना चाहिए कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है कभी पाँच दिन भी ले लेते हैं दस दिन भी ले लेते हैं और ये आज ही टच हो गया उस प्राइस को ओके इसको करते कैसे हैं सबसे पहले मैं दो डिग्री लोअर या दो लेवल लोअर थर्टी मिनट्स में चली जाऊँगी इसका ब्रेकआउट आया अब इसका ब्रेकआउट आया और आते ही ये ऊपर चला गया तो और मैं नाइन थर्टी के पहले ट्रेड स्टार्ट नहीं करती और नाइन थर्टी तक ही ये फोर परसेंट चला गया इतना ऊपर जाने के बाद आधी रैली ख़त्म हो गई अब मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो बेनिफिशियल नहीं है ठीक है करने के लिए मैं कर सकती हूँ करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है मैं उसके ऊपर बाय करूँ ये स्टॉप लॉस लगाऊँ करने के लिए मैं कर सकती हूँ बेनिफिशियल जो असली रैली थी वो छूट गई तो इसे कहते हैं जबरदस्ती का ट्रेड ओके अब आते हैं सेम चीज क्वेस कॉरपोरेशन क्वेस कॉरपोरेशन लेटसी सेम एम एस सी डी आर एस आई इसे हम देखते हैं थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में ये उसी टाइम पे ब्रेकआउट दिया था और हम चाहें तो एक पंद्रह मिनट में जा सकते हैं तो हमारा एस जो होगा वो डे लो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी रुपीज़ तो हमारा स्टाइल क्या होता है इसमें लेटेस्ट से हमने ये ट्रेड ले लिया बाय 751 फिफ्टी वन एस एल सेवन जो एस एल है वो हमारा ये रहेगा डे लो पे राइट right? कुछ लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि इसके क्लोज के नीचे बट ये रहता है हिट एंड गो उसके बाद हम इसके नीचे अगर बंद देगा तो भी निकल सकते हैं बट ये होगा कि अचानक से कोई फ्लैश क्रैश आ जाए तो मुझे बचा के ले जाए इसलिए ये फ्लैश क्रैश से बचने के लिए सेवन थर्टी का मैंने एस एल लिया सेवन थर्टी डाल देते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया ट्वेंटी वन तो सेवेन फिफ्टी वन प्लस ट्वेंटी वन विच इज़ इक्वल टू सेवन सेवेंटी टू तो फिफ्टी परसेंट मैं सेवन सेवन टू पर बुक कर लूँगी क्यों जिससे स्टॉप लॉस का टेंशन मेरे दिमाग से निकल जाता है तो ये हो गया मेरा पहला एग्जिट टू सेव माई स्टॉप लॉस टू कवर माई स्टॉप लॉस इससे क्या होगा कि अब बाई चांस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई भी क्रैश से तो भी मुझे लॉस नहीं होगा स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डालती हूँ न कि दिमाग में तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एग्जिट तो हमने लेटर से हंड्रेड शेयर्स बाय किए तो फिफ्टी शेयर्स मैंने यहाँ पे सेल कर दिया राइट हंड्रेड बाई किए फिफ्टी सेल कर दिया अभी ट्वेंटी वन का है मेरा तो और ट्वेंटी वन एड कर देती हूँ सेवन सेवन टू प्लस ट्वेंटी वन विच इज़ इक्वल टू सेवन नाइन्टी थ्री पे मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव शेयर्स जो भी मतलब इसमें है सौ लिए थे इसलिए ट्वेंटी फाइव शेयर्स अगर आपने पाँच सौ लिए तो उसके अकॉर्डिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवन नाइन्टी थ्री पे डाल दूँगी ओके तो अब देखते हैं हमारी सिचुएशन क्या थी तो हमारा फर्स्ट लॉट यहाँ निकल गया और दूसरा भी 793 के हाई के हिसाब से निकल गया अब जो बचता है उसके लिए मैं कॉस्ट पे भी स्टॉप लॉस लाऊं या ओरिजिनल पे रखूं कहीं भी रखूं कोई मतलब नहीं है इंटरा रखना चाहती हूँ इंटरा में जो भी है मैं तीन बजे के बाद सवा तीन बजे के बाद जो भी और निकल जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिस इज हाउ आई एग्जिट लास्ट कि मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है ना अगर इंट्राडे ट्रेड है तो मैं उसे कैरी करके रखूँगी और स्टॉप लॉस ओरिजिनल भी रख सकती हूँ क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने ले लिया राइट पच्चीस टका ही तो बचा है तो प्रॉफिट तो मेरे घर में आ गया ना क्योंकि मैंने फिफ्टी परसेंट बुक किया ट्वेंटी फाइव परसेंट और ऊपर बुक कर लिया बचा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही है तो अगर मैं ऐसे हिटन पे भी रखूँ तो भी मुझे लॉस नहीं होगा घर में पैसा आएगा ही आएगा अब ये 25 में जब तक खींच सकती हूँ तब तक खींचूंगी इंट्रा डे है तो 320 तक खींचूंगी और यही चीज़ अगर डिलीवरी बेसिस पे है तो सेम स्टाइल मेरी डिलीवरी पे होगी और बचा हुआ 25 जब तक मुझे वो रिवर्सल नहीं देगा या नेगेटिव ट्रेंड नहीं देगा तब तक, तक चलता रहेगा चाहूँ तो उसके भी टेन परसेंट परसेंट करके लास्ट के फाइव परसेंट जो फ्री के बच जाते हैं वो फॉर घर पे रख सकती हूँ तो ये एक तरीका है शेयर्स को हम स्लोली स्लोली इकट्ठा कर सकते हैं तो आज ऐसा ही एक और ट्रेड भी मुझे मिला था गो कलर्स गो कलर्स में मैं सबसे पहले खाली ये एम ए सी डी आर एस आई इसके खाली ये ही नहीं देखती हूँ उसके साथ में मैं पैटर्न भी देखती हूँ कि क्या ये कहीं कोई ब्रेकआउट जैसा कोई है या सपोर्ट के पास में है तो ये ब्रेकआउट भी था और ये सपोर्ट के पास में भी था दोनों था राइट right? तो ओपन और लो भी था ओपन एंड लो सेम था ब्रेकआउट के आसपास लिया तो लेटेस्ट गो टू डिग्री लोअर बहुत ज़्यादा भागा नहीं था ना मिल गया आपने वन वन सेवन फाइव के आसपास तो हम कैसे करेंगे इसे वन वन सेवन फाइव वन वन सेवन फ़ाइव का अगर हमने लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस डे लो वन वन फोर फाइव तो वन वन फ़ोर फाइव एस एल वन वन फोर फाइव और ये बाय प्राइस तो हम क्या करेंगे थर्टी रुपीज़ डिफरेंस है वन टू ज़ीरो फाइव फर्स्ट टारगेट फिफ्टी परसेंट बुक राइट क्या ये हमको फर्स्ट टारगेट गया जैसे ही फर्स्ट टारगेट टारगेट हिट हो जाता है उसके पॉइंट्स ऊपर हम second target डाल देते हैं अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑफरिंग्स हैं टेक्निकल एनालिसिस का नौ घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ थ्री नाइनटी नाइन में अवेलेबल है इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं अगर आपके टेक्निकल्स के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं तो आप मार्केट में मेरे साथ लाइव मार्केट्स में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू माई मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ हम सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स लाइव मार्केट्स में अप्लाई करेंगे और हमारे ट्रेड सेटअप्स के थ्रू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं तो आज ही ज्वाइन करें तो सेकेंड टारगेट वन टू थ्री फाइव सेकेंड टारगेट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो वन टू थ्री फाइव हाई कितना है वन टू फोर सिक्स सेवेंटी फ़ाइव परसेंट निकल गया अब ट्वेंटी फाइव परसेंट का ऐसा है आप लास्ट मोमेंट पे निकाल दो अगर इंट्रा डे है लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है अगर इंटरा डे है तो वो इंट्रा डे है अगर वो कैरी ओवर है तो कैरी ओवर है कैरी ओवर वाला इंट्रा डे निकल जाते हो कोई बात नहीं लेकिन इंट्रा डे वाला कैरी ओवर मत करना पॉलिसी चेंज मत करो आज मार्केट ऊपर था लेकिन ऐसे नहीं था कि मुझे लोअर साइड के स्टॉक्स नहीं मिले मुझे लोअर साइड के भी स्टॉक्स मिले नेटस से पी ये मेरे पास होल्डिंग में था बट इसको मैं शॉर्ट नहीं करूँगी क्यों नहीं करूँगी आर एस साइज अबाव सेवेंटी मेरे पैरामीटर में नहीं बैठता है जी शिपिंग मेरे पैरामीटर में बैठ जाता है आर एस बिलो फिफ्टी एम एस सी इन अ फॉलिंग नेचर लेट मी सी फॉर थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में जब मैं यहाँ आती हूँ तो आर एस बिलो थर्टी एवरी थिंग इन माई फेवर आई कैन गो शॉर्ट राइट अब मेरा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर है तो मेरे पास जो पोर्ट इसको मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं कर रही हूँ कैश में मैं शॉर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है ना अगर अपर सर्किट बाय चांस लग गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी सिचुएशन में आपके पास शेयर्स हैं आपकी डिलीवरी चली जाएगी बट मेरे साथ हो चुका है देखते देखते बाय द दे टाइम मैं सोचूं समझूं इतने में अपर सर्किट लग गई थी तो ये गलती मैं उसके बाद से कभी नहीं करती कि मैं शॉर्ट करूं, हाथ में स्टॉक है उसी को मैं बेचूंगी और बेच के फिर आते आते अगर मैं उसको कवर करती हूं, आर एस आई थर्टी मिनट्स में अभी भी थर्टी के नीचे है कवर आज करना है या कल करना है वो डिपेंड करता है आर एस आई थर्टी के नीचे है तो शायद मैं आज कवर ना करूँ कल करूँगी और अगर डर लगता हो तो उसका भी फिफ्टी परसेंट कवर करके चली जाऊँ बाकी का कल करेंगे क्योंकि आर एस आई थर्टी मिनट्स में नीचे है वन आवर में नीचे है मतलब कहीं पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो बुक कर लिया थोड़ा ले जाएंगे कल खरीद लेंगे तो उससे क्या होगा ये जो पैसा है इसी शेयर को बढ़ाने में भी काम आता है और एग्जिट जो है वो एक ही भाव में नहीं हो के हर रेट में होने से थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है और स्टॉप लॉस सबसे पहले जब हम कवर कर लेते हैं तो भले ही मैं कहती हूँ मेरा स्ट्राइक रेट 60% परसेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि 40% परसेंट के मेरे एसएल हिट होते हैं या 60% परसेंट में मेरे जैकपॉट लगते हैं फोर्टी परसेंट में ट्वेंटी परसेंट मेरे नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकलते हैं तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो वो मेरे प्रॉफिट में नहीं हुए तो मेरे हिट रेशियो में नहीं आएंगे और ट्वेंटी परसेंट में मेरा एस एल हिट हुआ है और बाकी सिक्सटी परसेंट में और ट्वेंटी परसेंट मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया लेकिन ट्वेंटी थर्टी परसेंट लग जाता है मोर देन इनफ सुपर मतलब जो मेरा एस एल हिट हुआ कवर कर, करा के दो तीन स्टॉक्स में जो जैकपॉट लगते हैं फिर वो मेरी गाड़ी आगे खींच देते हैं तो अल्टीमेटली हमको जो रिटर्न्स चाहिए ना साल के तीस चालीस बीस तीस परसेंट जो भी आपको चाहिए वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारा क्या होता है कि हम जब एक ट्रेड ले लेते हैं उस ट्रेड को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करना शुरू करते हैं अभी मैंने क्या किया है जो मैंने आपको बताया है मैंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया ये लिख दिया वो का वही सिस्टम में टर्मिनल पे या ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंट्री करके रख दूँगी जैसे ही मेरा ये हो गया फर्स्ट वाला 50, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को क्वांटिटी 50 परसेंट रिड्यूस कर दूँगी या स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगी जो भी करना है सिस्टम में डाल दूंगी अपने काम में लग जाऊंगी दूसरा कुछ स्टॉक ढूंढूंगी दूसरा कुछ स्टडी करूंगी तो एग्ज़िट जो होगी वो मेरी पार्ट 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 होगी एंट्री भी एज पर स्टडी होगी तो एग्जिट स्टडी पे करो पार्ट पार्ट में करो जो भी करो मैं पार्ट्स में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ जिसमें कि मैं बेनिफिट ले सकूँ देखिए मार्केट का टॉप और बॉटम बहुत ही रेयर मिलता है और सबको क्या किसी को नहीं मिलता है कभी कभार कोई एक आध शहर में मिल गया मिल गया वरना टॉप और बॉटम मिलना बहुत मुश्किल है हाँ टॉप में एंट्री और बॉटम में एग्जिट तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बाइंग की बट टॉप में शॉर्टिंग या बेचना बॉटम में बाइंग नॉट पॉसिबल तो इसलिए हम स्टडी के अकॉर्डिंग जाएं और स्टडी के ऊपर पार्ट पार्ट में प्रॉफ़िट्स बुक करते जाएं मैंने तो यही सीखा है बचपन से और वही आपको भी आज सिखा रही हूँ तो आई होप आपको मेरी ये स्टाइल ये स्ट्रेटजी पसंद आई कि एंट्री कब करते हैं एग्जिट कब करते हैं कैसे करते हैं इट इज़ प्योरली अ स्ट्रैटेजिकल फंडा इसमें इमोशंस बीच में है ही नहीं सिस्टम में फीड करिए दूसरा कोई स्टॉक ढूंढिए आज क्या है किस में है कैसे है मैंने इतने सारे YouTube वीडियोस बनाए हैं अपने अपसर्स डॉट क्लब के चैनल पर उन्हें देखिए सब नॉलेजेबल वीडियोस हैं और मैं बनाते रहूँगी आप देखते रहिए आपको क्या क्या सीखना है बताते रहिए मैं बनाती रहूँगी और आपके व्यूज़ आपके कमेंट्स मुझे गाइड करते रहेंगे कि मुझे क्या बनाना है और क्या आपको पसंद है मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में सोचने का तरीका हर एक का अलग होता है काम करने का तरीका हम हर एक का अलग होता है ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो एक चीज़ हमेशा कहूँगी जो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है और चल रही है उसी के हिसाब से चलिए अब उसको बीच में चेंज मत करिए और आपका ट्रेड हो जाए उ, आपने जो सिस्टम बनाया उसी को फॉलो करिए अपना ट्रेड होने के बाद किसी से पूछिए मत कि आपको क्या लगता है क्योंकि सबके व्यूज आप लेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद अपने अप से आप से करोगे आपसे अगर कुछ लॉस हुआ है तो आपको अपनी गलती खुद समझ में आएगी लेकिन अगर पूछ पूछ के करोगे कंफ्यूज हो जाओगे और आप एग्जिट कर जाओगे उसके बाद वो चलेगा अरे मुझे तो पता था ये तो चलेने वाला है तो ये टाइप का सिनारियो मताने दीजिएगा बाकी आपकी स्टडी आपका काम सोच समझ के करिएगा मार्केट है मार्केट में पैसा आता है और जाता भी है और जब जाता है तो बहुत ही बुरी तरीके से जाता है आता तो बूंद बूंद करके है और जाता बिल्कुल जैसे मटका भर के पानी चला जाता है वैसे जाता है इसलिए बी केयरफुल सोच समझ के ट्रीट करिएगा नमस्ते